हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर माया मसंद, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड माइंड ट्रेनर। वेलकम ऑल ऑफ यू इन फोर पिलर्स ऑफ डेस्टिनी बाय डॉक्टर माया मसंद। वैसे तो मैं वास्तु, ज्योतिष, हीलिंग, माइंड ट्रेनिंग ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूँ क्योंकि वो मेरी फील्ड है, परंतु इस वीडियो को मैं कुछ ऐसी जानकारी हूँ जो कि मुझे मेरे एंड पे लग रहा था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना। कई बार क्या होता है कि लोग जानकारी के अभाव में या फिर लापरवाही में अपनी जान तक खो देते हैं। मैं बात कर रही हूँ बारिश के समय पे जो अचानक से बिजली गिरती है और व्यक्ति के ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बिजली कब, कहाँ, कैसे गिरेगी ये कोई नहीं बता सकता। और कुछ दिनों लगातार ये न्यूज़पेपर में आता रहा कि कोई पेड़ के नीचे खड़ा है और बिजली गिरी और अचानक से उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में, शायद आपने भी पढ़ा होगा, 15-20 जो गायें थी वो पेड़ के नीचे खड़ी थी और बिजली गिरने से वो 17-18-20 गायें थी जो ऑन द स्पॉट मर गई। ये नेचुरल सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो बिजली है वो पेड़ पौधों की तरफ ही अट्रैक्ट होती है और उसके नीचे तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए। मेरा जितना इतने समय से मैंने जो घटनाएं सुनी हैं, देखी हैं, पेपर में पढ़ा है, उससे तो यही मालूम पड़ा है, यही जानकारी हो रही है कि सबसे ज़्यादा बिजली का डर पेड़ के नीचे ही रहता है और अक्सर लोग उसी के नीचे खड़े हो जाते हैं। बिजली जब कड़कती है आप कहीं भी जाके खड़े रहिए, पर पेड़ के नीचे बिल्कुल भी मत खड़े रहिए। तो आई होप मेरी छोटी सी जानकारी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा देगी, आप इसे ध्यान देंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जनहित में इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि ये बात सब लोग महसूस करें, समझें और उसे ध्यान रखें जब कभी भी वो पानी से या बिजली से बचने के लिए कहीं रुकना चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट। हैव अ हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ।